तो चलिए इसके समीप चलते हैं। आंटी जी अभी मेरे लिए पुलिस को फोन कर रही थी। ये है आपका गुप्त गंगा। ओम नमः शिवाय लिखा है और कुछ इस प्रकार के पत्थर भी रखे रहते हैं। एक और पैर आपको देखने को मिल सकता है। भाई भैंसे हैं? भैंस नहीं है, प्रवृत्ति जैसा। नमस्ते इंडिया, बद्रीनाथ धाम के इन खूबसूरत वादियों से। और सुबह के 4:30 हो चुके हैं और मैं उठ गया हूँ। कुछ इस प्रकार से देखो कितना मस्त नजारा है। और सामने यहाँ पर देखिए बद्रीनाथ धाम है। नमस्ते इंडिया, देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत वादियों से, बद्रीनाथ धाम से ना। अभी मैं जाने वाला हूँ एक ऐसे जगह नीलकंठ पर्वत की तरफ। बढ़िया करके धूप आ चुकी है और यात्रीगण भी आ ही रहे हैं। चट्टानों में बढ़िया करके धूप आ रही है। अभी लज्जागढ़ से हम लोग जा रहे हैं आपका नीलकंठ पर्वत की तरफ। 10 किलोमीटर की दूरी है पूरा टॉप तक। जब तक बद्रीनाथ जी के कपाट खुले रहते हैं यहाँ पर के लोग यहीं पर रहते हैं। ये जगह का नाम है लज्जागढ़ और लोग अभी यहाँ पर रहते हैं और कुछ समय के बाद चले जाएंगे। मंदिर है चट्टानों में। ये है आपका बामणी गांव और नीलकंठ पर्वत के रास्ते में आपको पड़ेगा हनुमान जी का एक खूबसूरत सा मंदिर, हनुमान जी का एक खूबसूरत सा गुफा है प्राकृतिक वाला। बुग्यालों में जाते जाते ना हम लोगों को कुछ इस प्रकार के फल भी देखने को मिल रहे हैं। लाल वाला सेब होता है ना, जैसे इस टाइप का लग रहा है। देखो यहाँ से कुछ इस प्रकार का दिखता है आपका बद्रीनाथ। एकदम खूबसूरत खूबसूरत बड़े बड़े विशालकाय पहाड़ों के बीच में स्थित है यह धार्मिक स्थल। पिछले ब्लॉग में बहुत ज्यादा कोहरा और बर्फ लगी थी तब जाके मैं नीलकंठ पर्वत नहीं दिखा पाया था। सामने कितना मस्त लग रहा है इतने दूर से ही। अमा नमस्ते, बढ़िया हो रहे हो? हाँ। अच्छा गढ़वाल से ही हो? अभी कितने दूर घास काटने? कहाँ को जा रहे हो घास काटने? यही ये धार को तेज किया जाता है, मतलब पहाड़ी में बोलते हैं हम दथुल पल्लूनी धार। हाँ आपको आपके क्या बोलते पहाड़ी में इसको? हम दथुली बोलते हैं। दथुली अच्छा एम दथुल पयोणी ढूंग ढूंग पत्थर को ढूंग बोलते हैं। तो आप भी ढूंगे बोलते हो? अरे वाह, गढ़वाली और कुमाऊनी की भाषा थोड़ी थोड़ी एक जैसी है। हमारे वहाँ दथुल ना बहुत बड़ा होता है, आपके वहाँ तो नू जैसा है। ये तुलसी के लिए ना। अच्छा हाँ, और अभी बीन भी कटा है। और घास के लिए तो बड़ी दथुली रहती है। अरे अच्छा अच्छा, अभी नीलकंठ पर्वत कहाँ? नीलकंठ पर्वत जहाँ बर्फ है वो देखो। अरे सामने देखो नीलकंठ पर्वत है, कह रहे हैं ताई। ताई जो कह रहा है अम्मा जी, तो बता दिया अम्मा ने, तो अभी यही चलना है। मैंने जा पाऊंगा नहीं जा पाऊंगा पता नहीं, 7-8 किलोमीटर है। बाघ आएगा? बाघ? हाँ बाघ तो नहीं है इधर ना, बाघ तो नहीं है। डर तो किसी की नहीं है। अच्छा डर किसी की नहीं है? नहीं। तो डर किसी की नहीं है। ठीक है धन्यवाद। अमा रोट खाएगा? रोट रोटी खा लिया? हाँ रोटी खा के आया मैं, चाय रोटी सब्जी खाई। कितनी रोटी खाई? कितने का नहीं, एक की रोटी बस। अच्छा तो देखो ये जो दादी जी हैं, ये दादी जी बहुत ही ज्यादा बुजुर्ग है, पुराने जमाने की हैं। तब जाके देखो अभी योर जनरेशन में भी वैसा काम कर रही है। दादी जी पशुओं के लिए घास नहीं काट रही बल्कि तुलसी के पत्तियों को काटने के लिए जा रही जंगल, जो कि हमारे विष्णु भगवान जी के मंदिरों में चढ़ाया जाता है ना। यहाँ पर एक रोजगार का साधन ये भी है, लेकिन इसमें भी बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है। और कुछ इस प्रकार के हमारे पहाड़ों में होते हैं धारे। रास्ते के सामने आपको यहाँ पर ना पत्थरों के माध्यम से एक चीज बनाया गया है, गुप्त गंगा हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पर आपका गुप्त गंगा है। तो चले चलते हैं अंदर की तरफ, गंगा दर्शन वाला बता रखा होगा आपको। और जैसे कि और नीचे भी देखो भाई साहब, ये है आपका गुप्त गंगा जो कि धरती के अंदर से बहती है। तब जाके ये देखिए, तभी इसका नाम गुप्त गंगा है। तो मस्त करके देख दिया है गुप्त गंगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा अंदर था, गुप्त गंगा था, मतलब एकदम गुप्त ही था। बल्ले बल्ले गया पता है भाई साहब, चक्कर क्यों आ रहा है इतना, चक्कर टाइप को पता नहीं क्यों आ रहा, क्योंकि मैं सुबह से खाना नहीं खा रखा मैंने। जगह एकदम पवित्र है तो रास्ते रास्ते में ओम नमः शिवाय भी लिखा है। यहाँ पर आपका ओम नमः शिवाय लिखा है और ठीक उसके ऊपर देखिए नीलकंठ पर्वत है। तो जो भी यात्रीगण आते हैं कुछ इस प्रकार के पत्थर भी रखे रहते हैं। गुप्त गंगा से आगे पहुंच चुका हूं और यहां पर ना मैं आपको बहुत बढ़िया चीज़ दिखाने वाला हूं। थोड़ा सा सब्र करिएगा, क्योंकि जब हमारे विष्णु भगवान जी पहली बार धरती लोक में आए होते हैं ना स्वर्ग से, तब जाके जो उनके पैर हैं यहीं पर पड़े रहते हैं। एक पैर यहां पर है विष्णु भगवान जी का, दोनों पर पत्थरों के बीच में एक और पैर आपको देखने को मिल सकता है विष्णु भगवान जी का। और जो झंडे हैं कितने ज्यादा प्यारे लहरा रहे हैं, पत्थर लगा रखा है, 7 स्टोन बोलते हैं हम इसको। देखो जब हमारे विष्णु भगवान जी बद्रीनाथ जी स्वर्ग लोक से पहली बार धरती लोक में आए होते हैं तो उनका जो पहला पैर था, दोनों के दोनों पैर यहाँ पर पड़े हुए थे। ऐसी मान्यता है जो जो भी लोग बद्रीनाथ धाम दर्शन करने के लिए आते हैं, जिनको भी समय मिलता है ना, वो सभी लोग यात्रीगण यहाँ पर भी
दर्शन करने के लिए आते हैं। तो कुछ इस प्रकार का अलौकिक सा ये जगह आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। पहाड़ों में ठंड के मौसम में जो जंगली जानवर होते हैं ना, हिरन होते हैं, थार, इसी जगह में रहते हैं। चरण पादुका से आगे की तरफ चलते हैं और यहाँ पर हमारे ताई जी मिल गए। नमस्ते ताई जी, बढ़िया हो? क्या लेके आ रहे हो ये? अच्छा, तुलसी जो कि बद्रीनाथ भगवान किस में चढ़ाते हैं ना। अच्छा, माला हाला बनाते होंगे आप। और घास पशुओं के लिए, गाय भैंसे हैं? भैंस नहीं है? नहीं। कितने गाय हैं? दो गाय। दूध देते नहीं देते हैं? देते हैं। अरे वाह, तो देखो ताई जी कितने दूर गए थे घास काटने के लिए। अच्छा, अरे भाई साहब जो इतने खतरनाक चट्टानों में, तो देखे इतना काम ही यही है, मजबूरी और पहाड़ की। अच्छा, तुलसी उलसी वाला ना, अब क्योंकि सभी श्रद्धालु आते हैं तो थोड़ा बहुत बिक्री होती होगी, और घास आस तो काटना ही हुआ पशुओं के लिए। अरे वाह, तो देखो ताई जी मिल गई है, दराती ये है मतलब ना। अच्छा, इसमें क्या लेके आ रहे हो बैग में? ये तुलसी बेटा। तुलसी किस प्रकार का होता है दिखाएंगे? अरे वाह, ये होता है अच्छा, जो भगवान जी को चढ़ाते हैं, एकदम शुद्ध माना जाता है ना। तो हाँ हाँ, क्योंकि मैंने अधिकतर जो श्रद्धालु आते हैं ना उनके हाथों में भी देखा है, मतलब वो सभी आप लोगों के माध्यम से बनाया जाता है। अरे वाह, तो धन्यवाद, आप लोग ना इतना अच्छा काम कर रहे हैं, शुक्रिया। मैंने आपको नमस्ते नहीं, आपको नमस्ते नहीं कहा मैंने? नमस्ते, नमस्ते बेटा। हाँ, जीते रहो, गो जीते रहो, खुश रहो, धन्यवाद धन्यवाद। हाँ, चलते हैं फिर। हाँ, तो यार दोस्तों, दो दिन की जिंदगी है, हमेशा खुश रहना है सभी के साथ, चाहे कोई अनजान हो या जान पहचान वाला हो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। तो कुछ इस प्रकार के पहाड़ में बुग्याल वाले फूल होते हैं। मैं एक दर्रा यहाँ पर है, एक पहाड़ यहाँ पर, बीच में देखिए बद्रीनाथ है और इस साइड पूरे के पूरे पहाड़ हैं। अच्छा, घास काटने? अच्छा, ये है आपका ना एक समकन्या बोलते हैं पहाड़ी भाषा में, हिंदी में तो मुझे पता नहीं है। तो इसकी जो कांटे होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है, और एक प्रकार का ये पौधा है जिसमें से ना बहुत ही ज़्यादा प्यारी खुशबू आती है। जब मैं पहली बार आया था यहाँ पर तो कितना ज़्यादा बर्फ़ था। यहाँ पर एक चट्टान दिख रहा ना आपको, और यहाँ से मैं जूम करके कुछ दिखाने वाला हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ पर सभी सभी वाले कुछ दिख रहा है जो मतलब कुछ कर रहे हैं। तो यहाँ पर ना एक इंसान है, ये पूरा का पूरा देखो कितने खतरनाक चट्टानों में गए हैं, मतलब यहाँ पर ना घास काटने के लिए और तुलसी लेने के लिए इतने खतरनाक चट्टानों में गए हैं। जैसे कि मैं अभी पूरा का पूरा लद्दाख में आ रखा हूँ, और जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं कुछ इस प्रकार से हैं, ये देखिए पूरे का पूरा कुछ इस प्रकार से पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, और सामने आपका नीलकंठ पर्वत है। किस्मत हमेशा मेरी गांडू ही रहेगी, ऊपर साइड मेन वाले में ना देखो कोहरा लग गया फिर से। ये पीले कलर का है, ये कुछ इस प्रकार का, इसकी जो ऊपरी परत है ना, जब तेज हवाएं आ जाती हैं तब जाके पूरा का पूरा उड़ जाता है। नीलकंठ पर्वत जिसकी ऊंचाई है 6650 मीटर, बद्रीनाथ धाम से 7 किलोमीटर की दूरी में, नीलकंठ अर्थात नीला है कंठ जिसका, शंकर भगवान जी। पहले बद्रीनाथ धाम में माता पार्वती और शंकर भगवान जी ही निवास करते थे। विष्णु भगवान जी को यह स्थान बहुत ही ज़्यादा पसंद आ जाता है, तो बाल रूप में माता पार्वती को देते हैं दर्शन, और माता पार्वती को उस बच्चे से बहुत ही ज़्यादा हो जाता है मेल मिलाप, और बाद में पता चलता है कि ये तो मायावी बच्चा है, विष्णु भगवान जी हैं। तो उनकी खुशी के लिए शंकर जी और गौरी माँ नीलकंठ पर्वत में निवास करने लग जाते हैं, जिसके कारण इस पर्वत का नाम पड़ा है नीलकंठ पर्वत। कुछ समय के बाद केदारनाथ की तरफ चले जाते हैं। यहाँ पर बहती है ऋषि गंगा जो कि नीलकंठ पर्वत साइड से ही आती है, और बद्रीनाथ धाम में अलकनंदा नदी से हो जाता है इसका संगम। तो जब कभी आप आते हैं बद्रीनाथ धाम, तो बद्रीनाथ धाम से 7-8 किलोमीटर की दूरी में आपका है नीलकंठ पर्वत, जहाँ पर आप बड़ा करके कर सकते हैं एक खूबसूरत पहाड़ का दर्शन, और साथ ही देख सकते हैं एक खूबसूरत सी गंगा जिसका नाम है ऋषि गंगा। तो गंगोत्री साइड से आती है आपकी गंगा नदी, और नीलकंठ पर्वत से आती है आपकी ऋषि गंगा। तो ये आपकी ना ऋषि गंगा है जो कि नीलकंठ पर्वत साइड से आती है। अभी जो आंटी जी है खतरनाक चट्टानों से नीचे उतर रही, देखो। हाँ, उत्तराखंड घूम रहा हूँ। अच्छा, रास्ता कहाँ है?
आंटी जी नीचे उतर चुके, इतने खतरनाक चट्टानों ऊपर गई थी। हे भगवान, कहाँ फंसा दिया ये मुझे, ये घर दे अब तो हाथी कहाँ फंसा दिया बबू मेरी माँ कसम यार, पूरे भूड़ में भूड़ में अटक गया मैं तो। ये जिंदा हो जिंदा, आगे से मैं आपको आंटी आंटी कह रहा था, आपने हाँ ही नहीं कहा। यहाँ पर आंटी जी है दोस्तों, और बढ़िया करके आंटी जी अभी मेरे लिए पुलिस को फोन कर रही थी क्योंकि इनको कुछ डाउट हो गया था। मैं नीचे से भाग भाग के इनके वहाँ पर आया ना, तो ये डर गए अकेले इतने खतरनाक जंगलों में और पुलिस को फोन करने लगी थी। तो अब मामला सेट है बढ़िया करके, और मेरे पापा के भी 4 बच्चे हैं और मेरे आंटी जी के भी 4 बच्चे हैं। आदमी से डर लगता है, आदमी से डर लगता है। प्लीज यार, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट कर देना, और जो चैनल में नए हैं प्लीज अपने पहाड़ी भाई को सपोर्ट कर दो यार। क्या जा रहा है, क्यों उत्तराखंड ट्रैवल कर रहे हैं और गांव में नेटवर्क नहीं है, फिर भी लगा पड़ा हूँ। तो मिलेंगे आपको बहुत जल्दी, ठीक है? तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड, बाय बाय। आज मैं खुश हूँ ना, इसलिए चिल्ला रहा हूँ।